आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी जरूर दबाएं। इनका कोई चार्ज नहीं है, यह चैनल बिल्कुल फ्री है। हाय, वेलकम टू अनी फैशन। आज हम आपको दिखाएंगे वॉट नेक वाले ब्लाउज की पूरी कटिंग। इसमें हमने गले की अलग से कटिंग की है। चलिए दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने इसकी कटिंग किस तरीके से की है। आज मैं बताने जा रहा हूँ वॉट नेक ब्लाउज की कटिंग। ये हमने वॉट नेक ब्लाउज के लिए 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। इसको हम इस तरीके से पूरा खोल लेंगे और ये किनारे से किनारा मिला करके इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और वन साइड अपनी तरफ और नीचे से सीधा कर लेंगे ताकि अच्छे से कटिंग हो जाए। अब नीचे फोल्ड के लिए इस तरीके से स्केल से हम निशान लगा लेंगे। ये मैंने स्केल से निशान लगाया 1.5 इंच फोल्ड के लिए नीचे छोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद 14 इंच लंबाई है ब्लाउज की, तो 14.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे लंबाई का, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर कंधे में मार्जिन के लिए। फिर उसके बाद नीचे 5.5 इंच ये चेस्ट का निशान है, इसको हम सीधा कर लेंगे। ऊपर तीरे का निशान लगा लेंगे। चेस्ट का निशान थोड़ा बड़ा लगता है और तीरे का थोड़ा छोटा। चेस्ट 36 इंच है तो 36 को हम 2.5 इंच मिलाएंगे, 38.5 इंच। इस तरीके से 38.5 इंच का हमने आधा कर लिया, 19.3। इसको भी हम आधा कर लेंगे तो ये आया 9.6। इस तरीके से चेस्ट पे हम निशान लगा लेंगे। जितना हमने चेस्ट पे लगाया है उतना ही सेम कमर के निशान पे भी उतना ही निशान लगा लेंगे। दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। और ये 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेंगे साइड में। इस तरीके से 2 इंच का मार्जिन हो गया। ऊपर तीरे का निशान लगाएंगे, वॉट नेक है। जैसे आगे का गला 5 इंच है और पीछे का गला 5.5 इंच, तो इसमें हम तीरा रखेंगे, 7 इंच का तीरा रखेंगे इस तरीके से। ये हमने तीरे का निशान लगाया है 7 इंच, इसको हम सीधा कर लेंगे निशान को। बाकी ब्लाउजों में जिसमें गला बड़ा रहता है उसमें तीरा हम कम रखते हैं, 5, 5.5 इंच, 6 इंच तक रखते हैं तीरा। और ये वॉट नेक है तो इसमें हम 7 इंच तीरे का नाप लगा रहे हैं। ये हमने तीरे का नाप लगा लिया। फिर उसके बाद अंदर की साइड 1 इंच का हम अंदर की साइड तिरछा करके निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और इस निशान से हम आर्महोल का निशान लगाएंगे। अब जो हमने ये जो आगे ये हमने जो तिरछा निशान लगाया है शेप में देते हुए, ये तो आगे का निशान है। अब हम बैक साइड का निशान, इस निशान से 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है बैक पल्ला इस तरीके से। अब हम ऊपर से इस निशान से मिलाते हुए आर्महोल में चेस्ट तक मिला लेंगे इस तरीके से। अब हम जो कटिंग करेंगे तो ये बाहर वाले जो हमने निशान लगाया है इस पे कटिंग करेंगे। इस तरीके से ये बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। अब इसको हम रख करके आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे।
अब जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरीके से रखेंगे खुली साइड अपनी तरफ। अब जो हमने बैक पल्ला कटिंग करा था इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से निशान वाला नीचे की तरफ। जो हमने बैक पल्ला रखा हुआ है आधा इंच पूरा ऊपर से नीचे तक छोड़ करके रखा हुआ है 14 इंच लंबाई है। हमने 14.5 इंच का निशान लगाया है इस तरीके से। आगे भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे नाप करके। आगे पीछे के पल्ले में हमने 14.5 इंच पे लगाया है, इस पे हम आगे के पल्ले पे 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि इसमें प्लेट डलती है इसलिए 0.25 इंच हमने बढ़ाकर निशान लगाया है। अब लंबाई के बाद हमने ये 1.5 इंच का नीचे मार्जिन के लिए निशान लगा लिया और साइड में बराबर से इस तरीके से और ऊपर से भी इसके बराबर निशान लगा लेंगे। जो ये लंबाई का है इसको हम सीधा कर लेते हैं निशान को। ये हमने लंबाई का निशान लगा दिया और ये मार्जिन का जो हमने 1.5 इंच नीचे निशान लगाया था इस तरीके से। फिर उसके बाद जो हमने ये आगे के पल्ले का निशान लगाया था हमने हल्के हल्के हाथ मारा तो ये निशान हमारा इस पल्ले पे आ गया है। इस तरीके से हम इसको निशान लगा लेंगे। और इसको हम हटा देंगे। अब हम गले की चौड़ाई नापेंगे यहाँ से 3 इंच पे। फिर उसके बाद गले की लंबाई है 7.5 इंच है तो 7.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और चौड़ाई 3 इंच इस तरीके से। 6 इंच चौड़ाई है, 6 इंच का आधा करा हमने तो 3 इंच इसको हम सीधा कर लेंगे निशान को इस तरीके से। और फिर उसके बाद कंधे से हम हल्का 0.5 इंच डाउन करेंगे नीचे की तरफ और निशान लगा लेंगे तिरछे में इस तरीके से। ऊपर से प्लेट का निशान है 9.5 है तो हम 10 इंच 0.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि 0.5 इंच कंधे में मार्जिन के लिए। ये 10 इंच पे हमने निशान लगा दिया और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ऊपर से हमने ये तिरछे में निशान लगा लिया तीरे में। और फिर उसके बाद अब जो हमने ये प्लेट का निशान लगाया है 10 इंच 9.5 इंच है तो 10 इंच पे लगाया हुआ है। फिर उसके बाद अब हम यहाँ से प्लेट की चौड़ाई की लंबाई रखेंगे। ये प्लेट की चौड़ाई है 4 इंच इस तरीके से 4 इंच पे लगा लेंगे और 4 इंच नीचे की तरफ भी। अब ये सेंटर की प्लेट है, सेंटर से हम 2.25 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे और 2.25 इस तरफ। अब हमने जो ये सेंटर की प्लेट का निशान लगाया था नीचे से ऊपर तक इस तरीके से मिला लेंगे और ये वाला साइड की कमर की साइड का प्लेट का निशान है इसको भी हम इस तरीके से और ये आगे की प्लेट है। अब जो ये तीरे का हमने बताया था गले का यहां से नापेंगे 1.5 इंच तीरा रखेंगे 1.5 इंच। और फिर उसके बाद यहां से हम गले की चौड़ाई नाप लेंगे। गले की चौड़ाई आ रही है 5.5 इंच 5.5 इंच आ रही है। इस तरीके से हमने आगे का गला था 5 इंच था तो 5.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे इस तरीके से।
जितनी चौड़ाई है यहाँ पे 5.5, उतनी ही हम सेम रखेंगे गले की चौड़ाई इस तरीके से, और राउंड शेप में हम इस तरीके से, ये हमारा बोट नेक गला है। अब हम कटिंग करेंगे। अब जो ये सेंटर की प्लेट है और साइड की आर्मोल की साइड की प्लेट का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमारी ब्लाउज की 4 प्लेटें हो गई हैं, ये 4 प्लेटें हो गई हैं। अब जो ये बैक पल्ला हमने कटिंग करा था, इसका भी गला हम कटिंग करेंगे किस तरीके से। जैसे हमने 1.5 इंच आगे वाले पल्ले में छोड़ के कटिंग करा है गले की, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम 1.5 इंच छोड़ देंगे और गले की चौड़ाई नापेंगे तो 5.5 इंच है, और गले की जो लंबाई है 5.5 इंच है तो हम 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे, 1/2 इंच गले के मार्जिन के लिए, और गले की चौड़ाई नाप लेंगे नीचे से 5.5 इंच पे इस तरीके से। ये हमने सीधा कर लिया, अब इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम बैक पल्ले में भी राउंड शेप देंगे, वोट नेक कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। हमने ये वोट नेक गले की भी कटिंग कर दी है, वोट नेक ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।